Very wonderful morning, my dear students. Today we are going to start our new chapter, the chapter number 12, the BFG. Okay, so BFG, sounds strange. BFG means Big Friendly Giant. Yes, the name is Big Friendly Giant. Okay, so the ponder, draw your favorite magical character and write its name. No, आपको इस टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ भी ड्रॉ करना और कलर करने की जरूरत नहीं, लेकिन पेज बिगाड़ देंगे आप, है ना. सो इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ कार्टून कैरेक्टर, ड्रॉ इन योर ड्रॉइंग बुक. ओके, नो नीड टू डू दिस एक्सरसाइज इन टेक्स्ट बुक. नाउ Let's see the first. Okay, did you know, apart from being an author, Roald Dahl was also a fighter pilot. हमारा जो इस स्टोरी के अंदर स्टोरी का जो राइटर है वो एक फाइटर पायलट था, आर्मी के अंदर था, डिप्लोमेट एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर भी था. Roald Dahl Day is celebrated in September 13 every year. उसके नाम से डे भी सेलिब्रेट करते हैं. ओके, सो डू यू थिंक इट इज राइट टू जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस? डिस्कस, इज इट पॉसिबल टू जज समवन ऑन देयर अपीयरेंस? जैसा दिखता है वैसा ही होगा, हाँ ना, मुख में राम बगल में छुरी जैसा हो सकता है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज समवन ऑन हिज अपीयरेंस, हाँ ना. स्वामी विवेकानंद से ऑल्सो दैट इन योर कंट्री, वाइल ही वॉज इन अमेरिका और जापान और अदर कंट्रीज, इन योर कंट्री अ टेलर मेक्स अ पर्सनैलिटी, है ना. कपड़े कैसे पहनते हैं उसकी इसीलिए पर्सनैलिटी आपकी होती है. बट इन आवर कंट्री मीन्स इन इंडिया, अ कैरेक्टर मेक्स अ पर्सनैलिटी. आपका कैरेक्टर कैसा है उसके ऊपर से आपकी पर्सनैलिटी बनती है. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर. इट्स अ नॉवेल एंड इट्स अ फिक्शन नॉवेल. ओके, ऐसे सचमुच में ऐसे कोई टाइम जैसा होता नहीं है कुछ. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो फर्स्ट वी से लेट्स वी रीड अबाउट राइटर. ओके, वाज बोर्न इन 1916 टू 1990. ओके, इसकी डेट हो गई थी 90 के अंदर. वाज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर एंड अ पोएट. ओके, स्क्रीन राइटर मींस जो फिल्मों के वगैरह में जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको. हिज फेमस बुक फॉर चिल्ड्रन इंक्लूड द जेम्स एंड जायंट पीच, चार्ली एंड द चायलोट फैक्ट्री, मल्टीडा द विचेस, द फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स एंड द बीएफजी. इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, है ना. आई विल सेंड दिस, इसका हिंदी के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन है. आई विल सेंड आफ्टर वी हैव इफ वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, देन आई विल सेंड अ लिंक ऑफ दिस. ओके, यू कैन वॉच एंड एंजॉय. द स्टोरी इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द BFG, Big Friendly Giant. Giant or living friendly giant. Okay, it's all the story moving around the girl Sophia. Okay, Sophie. ये Sophie के ऊपर पूरी जो novel है वो घूमती रहती है, है ना. उसकी story है, क्योंकि उसको रात में नींद ही नहीं आती. ऐसी बीमारी है कि उसको नींद ही नहीं आती, वो पूरी रात जगती रहती. So let's read this story. Okay, Sophie couldn't sleep. A brilliant moonbeam was slanting through a gap in the curtains. It was shining right on her, onto her pillow. So moonlight ki night hai, na? Full moonlight. तो उस दिन सोफी को तो ऐसे भी नींद नहीं आती, तो उसकी रोशनी उसके कमरे के अंदर, मतलब कि वो लोग जो जहाँ पे सोते थे वो लोग, तो उसके पिलो के पास आ रही थी, है ना, कर्टन में से. द अदर चिल्ड्रन इन द डॉर्मेटरी हैड बीन स्लीप
फोर आवर्स घंटों से वो लोग तो सो रहे थे उसके फ्रेंड्स को, है ना। वो एक हॉस्टल के अंदर रहते, हॉस्टल के अंदर जो सारी लड़कियां थी वो एक बड़ा सा ऐसा हॉल होता है उसके अंदर सारे बेड्स लगाए गए होते, तो उसके अंदर सारी उसकी फ्रेंड्स तो सो रहे थे। सोफी क्लोज हर आईज एंड लेग वाइड स्टील, उसने आईज क्लोज करी एंड ट्राई टू स्लीप, बट शी ट्राई वेरी हार्ड टू डोज ऑफ इन स्लीपिंग, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर इट, इट वॉज नो गुड। ओके, द मूनबीम वॉज लाइक अ सिल्वर ब्लेड स्लाइसिंग थ्रू द रूम ऑन हर फेस, जो उसकी किरण जो आती थी उसके फेस के ऊपर आ रही। द हाउस वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट, नो वन। ओके, रात के अंदर सुन जैसे पूरा सन्नाटा छा जाता है, कोई भी आवाज, जरा सा भी आवाज हो तो हम सुन पाते हैं क्योंकि पूरा सन्नाटा हो गया। नो वॉइसेस केम अप फ्रॉम डाउनस्टेयर्स देयर, डाउनस्टेयर्स नीचे से भी कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। देयर वर नो फुटस्टेप्स ऑन हर फ्लोर अबाउट आइदर, ऊपर भी किसी की चलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। सो आई थिंक इट्स अ हॉरिबल स्टोरी, है ना, हॉरर स्टोरी, हॉरर स्टोरी है पूरी। आप डर जाओगे पढ़ते पढ़ते, सो डरना मत, आई एम हियर। ओके, एक ऐसी नाइट की बात यहाँ पे हो रही है, सब लोग सो रहे थे, है ना, एंड जरा सा भी आवाज नहीं हो रही थी, ऊपर भी नीचे भी आगे भी पीछे भी। द विंडो बिहाइंड द कर्टेन वाज वाइड ओपन, जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, ओके, कर्टन के पीछे। बट नोबडी वाज वॉकिंग ऑन द पेवमेंट आउटसाइड, मींस रोड की गलियां जो वहां पे थी वहां पे भी कोई चल नहीं रहा था। नो कार्स वेंट बाय ऑन द स्ट्रीट, कुछ कार भी नहीं चल रही थी। नॉट द टाइनीएस्ट साउंड कुड बी हर्ड एनीवेयर, है ना, बट मींस के टोटली साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस। सोफी हैड नेवर नोन सच अ साइलेंस, ऐसी साइलेंस कभी भी उसने ऐसा नहीं सुना था। सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, आप क्या सोच रहे थे आगे क्या होगा, देखते। परहैप्स शी टोल्ड हरसेल्फ दिस वाज व्हाट दे कॉल्ड अ विचिंग आवर्स, विचिंग आवर्स मींस मैजिकल आवर्स, है ना। वो सोचते थे, जब हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो बड़ी बड़ी फेंकते हैं ना, वैसे ही वो लोग गर्ल्स भी साथ बैठकर बड़ी बड़ी फेंकते थे कि आपने सुना है रात के मिडनाइट के टाइम पे मैजिकल आवर्स होता है, जब सब लोग सो जाता है तब मैजिकल आवर्स होता है। व्हाट इज मैजिकल आवर, लेट्स सी, है ना। सो परहैप्स शी टोल्ड हरसेल्फ दिस वाज व्हाट दे कॉल्ड द विचिंग आवर्स, द विचिंग आवर्स Somebody had once whispered to her, किसी ने उसको कहा था कि was a special moment in the middle of the night, means रात के 12 बजे, when every child, every grown-up was in a deep, deep sleep. सब लोग बड़े बुजुर्ग सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, and all the dark thing came out from hiding and had the world to themselves. और रात के अंधेरे में से darkness आ जाती है, पूरे गहरा अंधेरा छा जाता है वैसे उस टाइम पे। Let's we move on to the next page. Okay, here are the meaning. Moon beam means the ray of moonlight. Okay, moon वैसे तो moon रोशनी नहीं देता, सूरज की प्रकाश से वो shining करता है। Dormitory या large bedroom. Okay, those of friends fall asleep and slice it means cutting through. Then the next page, night, here is the Sophie and maybe she is scared. The moonbeam was brighter than ever on Sophie's view. अभी है ना एकदम bright हो गई उस रोशनी उसके पिलो के ऊपर। She decided to get out of bed and close the gap in the curtains. उसने डिसाइड किया कि
जो खिड़की खुली हुई थी तो कर्टन में से वो रोशनी आ रही थी उसके पिलो के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर। तो उसने डिसाइड किया कि मैं जाऊं खिड़की के ऊपर और खिड़की के पास और कर्टन को और क्लोज से बंद कर दूं। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या हुआ होगा? वो खिड़की पूरा अंधेरा, कोई जग नहीं रहा, क्या हुआ होगा? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।